हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेक्सा ट्रेडेक्स लिमिटेड की। दोस्तों, यहां पे हेक्सा ट्रेडेक्स लिमिटेड आप देख सकते हैं, कंपनी के अंदर 5% की अपर सर्किट लगा था मंडे के सेशन में, अगर आप देखोगे तो। और यहां पे 5 डेज में ये स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा था, 1 महीने में 25% की रैली देखने को मिला और 6 मंथ में 20% की। दोस्तों, यहाँ पे 1 साल में भी 20% के ही रैली दिखाया है, लेकिन यहाँ पे रिसेंटली इस स्टॉक में अभी के टाइम से तेजी देखने को मिल रहा है। 5 ईयर्स की अगर बात करें तो 1139% की तगड़ी रैली दिखा चुका है। 2020 में बेसिकली स्टॉक 10.95 रुपया पे स्टॉक मिलता था और यहाँ पे 2019 में देखें तो 6 रुपया पे स्टॉक था। यहाँ पे मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो स्टॉक है जो यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा 101% का रिटर्न दिया है। बेसिकली यहाँ पे मैक्सिमम 101% का रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे लोएस्ट अगर आप बात करें, लोएस्ट से अगर आप उठाएं तो एक महा मल्टीवैगर स्टॉक बनता हुआ नजर आया है हेक्सा ट्रेडेक्स लिमिटेड। दोस्तों, यहाँ पे इस कंपनी का बेसिकली आज यहाँ पे Q1 क्वार्टर का रिजल्ट कंपनी यहाँ पे पब्लिश कर रही है। तो यहाँ पे Q1 क्वार्टर यानी जून क्वार्टर का, तो यहाँ पे जून क्वार्टर का रिजल्ट कंपनी देगी, तो कैसा कंपनी का रिजल्ट आ सकता है। अभी के टाइम पे अगर आप देखते हैं तो अभी भी यह स्टॉक है जो काफी अंडर प्राइस है। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रमोटर है जो 62% 2021 में अपने पास होल्डिंग रखा करते थे, यहाँ पे होल्डिंग 62% का था। और उसके बाद यहाँ पे कंपनी के अंदर अगर आप देखें जून 2022 में से सितंबर 2022 में आप देखिएगा तो कंपनी 63% से जो होल्डिंग है यहाँ पे बढ़ा के सीधा 92% कर ली है। तो यहाँ पे FIS जो बेची है पूरा के पूरा कौन खरीद लिए, प्रमोटर खुद खरीद लिए, और उसके साथ साथ पब्लिक की होल्डिंग भी यहाँ पे प्रमोटर खुद ले लिए। तो यहाँ पे 7.79% पे पब्लिक की होल्डिंग हो गई। दोस्तों, तो यहाँ पे एक चीज आप देखिएगा कि प्रमोटर यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव है वर्क को लेके, अपने कंपनी को लेके, और यहाँ पे मेजोरिटी से अधिक स्टेक अपने पास रखना चाहते हैं। यहाँ पे पब्लिक के पास आप देखिएगा 7.83% मात्र स्टेक बचा है, और यहाँ पे आप देखिए FIS के पास 0.05%, DIS के पास 0.01% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे मेजोरिटी स्टेक है जो प्रमोटर खुद रखे हुए है। कंपनी यहाँ पे बहुत बड़ी नहीं है, माइक्रो स्मॉल कैप की ही कंपनी है। आप देखिएगा 1000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है, 1031 करोड़ का फिलहाल, लेकिन यहाँ पे कंपनी की जो बुक वैल्यू है 694 रुपया के यहाँ पे बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है। एक बड़ा यहाँ पे नंबर से आपको देखने को मिल रहा है और इससे काफी नीचे स्टॉक अभी देखने को मिल रहा है। डिविडेंड की बात करें तो 0% यहाँ पे कंपनी डिविडेंड देती है। 16.70 रुपया का EPS जनरेट करती है। इसके साथ साथ कंपनी की ROE कंपनी का कम जरूर है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे रिजर्व्स कंपनी का 3000 जितना कंपनी का बड़ा मार्केट कैप नहीं, उससे ज्यादा यहाँ पे रिजर्व्स इनके पास है। 3821 करोड़ का इनके पास रिजर्व है। तो यहाँ पे कैश रिच कंपनी है बिल्कुल। यहाँ पे डेप्ट देखो मात्र 45 करोड़ का है और डेप्ट इक्विटी देखो तो 0.01 का है। तो यहाँ पे डेप्ट इक्विटी बहुत ही कम है कंपनी का। फेस वैल्यू अगर आप देखें तो 2 रुपया का देखने को मिल रहा है इस कंपनी का। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ओपी जिंदल ग्रुप की पार्ट की कंपनी बेसिकली HTL जो हेक्सा ट्रेड लिमिटेड करके हम बोलते हैं इसको, जो बेसिकली ओपी जिंदल ग्रुप की एक कंपनी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे बेसिकली पेट्रोस्की स्कोर तो 9 में से 9 रेटिंग दिया गया, एक बढ़िया रेटिंग है। पेग रेशियो की बात करें तो 0.78 का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ ग्राहम नंबर प्राइस 511 रुपया। तो ये सारे नंबर्स है जो यहाँ पे बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे किसी भी प्रकार का शेयर प्लेस्ड भी नहीं है दोस्तों। तो होपफुली यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि स्टॉक है जो अभी के टाइम पे राइट टाइम टू इंटर है, और यहाँ पे एक तरह से आने वाले समय में आपके पैसे को 3 गुना 4 गुना आराम से कर सकता है। लेकिन हम चलते हैं जिस चीज के लिए हम आए हैं यहाँ पे उस पर बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की देखते हैं। दोस्तों, आज के डेट में कंपनी Q1 क्वार्टर का रिजल्ट देखने वाली है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं जो डेट है आज ही का डेट है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिसेंट क्वार्टर में अगर आप बात करें, मार्च क्वार्टर की बात करें, तो कंपनी यहाँ पे 1.47 करोड़ का लॉसेस करती हुई नजर आई थी, लेकिन यहाँ पे कंपनी इसके पहले काफी अच्छी खासी प्रॉफिट भी की है। तो कंपनी के बीच बीच में काफी अच्छी खासी प्रॉफिट किया और यहाँ पे अभी के टाइम पे लॉसेस जरूर की है। तो देखना होगा कि क्या जून क्वार्टर में कंपनी एक बड़ा प्रॉफिट कर पाती है या नहीं कर पाती है। तो होपफुली कि जो पिछले साल अगर आप देखें जून क्वार्टर में, तो मार्च में लॉसेस की थी 5.63 करोड़ का, लेकिन यहाँ पे जून क्वार्टर में 92 करोड़ का सेल्स किया और यहाँ पे
एक बड़ा अमाउंट 62 करोड़ का करीब करीब कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट करती हुई नजर आई। तो यहाँ पे जून क्वार्टर में कंपनी का काफी अच्छा रिजल्ट्स रहा 2023 में, तो होपफुली कि यहाँ पे जो 2024 में जून क्वार्टर का रिजल्ट रहेगा वो भी काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे पिछले टाइम का भी डेटा अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कंपनी जो लॉसेस है अगर आप देखें तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉसेस इधर पीछे टाइम में करती हुई नजर आई थी, लेकिन यहाँ पे रिसेंटली जो जून 2023 से बात करें तो अभी तक यहाँ पे स्टॉक में एक तरह से बढ़िया गेन देखने को मिला भी है और यहाँ पे आप देखें कंपनी का प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। तो यहाँ पे कंपनी आगे चल के यहाँ पे कंपनी आपको बढ़िया रिटर्न बना के दे सकती है, लेकिन पेनी स्टॉक है तो यहाँ पे थोड़ा सोच समझ के ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। और 92 करोड़ का यहाँ पे FY24 में कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट करती हुई भी नजर आई है। दोस्तों अगर हम बात करें इस कंपनी की बैलेंस शीट की तो बैलेंस शीट कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आता है, इनके पास रिजर्व्स बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे कैश रिच बिल्कुल कंपनी है और इनके पास जो बोरोइंग है वो कंटिन्यू कम करती हुई नजर आई है। कंपनी अपनी बोरोइंग को खत्म कर दी है ऑलमोस्ट और यहाँ पे कंपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़िया करती हुई दिख रही है दोस्तों। तो यहाँ पे कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, टोटल लाइबिलिटीज और एसेट्स बात करें तो ये दोनों चीजें कंपनी का इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें कैश फ्लो की तो कैश फ्लो यहाँ पे कभी भी यहाँ पे अभी तक पॉजिटिव इधर देखने को नहीं मिला है, एक्सेप्ट अगर मार्च 2023 छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे अभी 2024 में भी माइनस 0 करोड़ का ही देखने को मिल रहा है, यानी मतलब माइनस में ही नेट कैश फ्लो है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव होना भी बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे किस वजह से यहाँ पे निगेटिव में आपको देखने को मिल रहा है या जीरो देखने को मिल रहा है, तो इनकी पूरी बैलेंस शीट, इनकी जो रिपोर्ट्स आती है एनुअल रिपोर्ट्स, उसको आपको एक बार पढ़ना होगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा दोस्तों, और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और जिससे कि आने वाला जो अपडेट होगा वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं करता हूँ दोस्तों।